तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो वीडियो है, सॉरी भाई, अंधेरे में बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई तो मैं तुरंत बता रहा हूं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि यार देखो यार, मैंने ना बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग ना फ्री फंड में सुबह सुबह बाइक को जब सुबह सुबह स्टार्ट करते तो बाइक का जो इंजन ऑयल होता है वो नीचे की साइड पे होता है। तो यार एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आती है, लोग क्या करते हैं कि बाइक को गर्म करने के लिए ना एक्सेलेरेटर देते रहते हैं, ठीक है, एक्सेलेरेटर देते रहते गर्म करने के लिए। भाई अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है तो ये सबसे बड़ी गलती है। इससे क्या होता है, इसका रीज़न भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये क्यों हमारे लिए गलती है और क्यों ये हमारी बाइक्स के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा इंजन जो होता है वो सूखा पड़ता है, सूखा पड़ने का मतलब है कि सारा उसका ऑयल जो है वो ड्रेन हो गया, यानी इट मीन्स नीचे आ चुका है, तो फिर उससे क्या होता है, जो हमारी बाइक का इंजन है उसके प्रॉब्लम आती है क्योंकि बाइक के इंजन को चलने के लिए एक ऑयल चाहिए होता है। बाइक का इंजन ही छोड़ो, हम किसी भी व्हीकल या किसी भी चीज़ का इंजन होता है तो उसको एक लिक्विड चाहिए होता है जिससे कि वो अपना जो अपने आप का अंदर का जो लोहा है वो सारा मतलब पिघलने का मतलब यह है कि वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो अगर हम सूखा इंजन चलाएंगे तो हमारी जो बाइक के अंदर के जो इंजन के अंदर के पार्ट्स जो लोहे के हैं, जैसे क्लच प्लेट व्लच प्लेट ये सारी चीज़ें होगी तो ये घिसने लगती है, ठीक है। वैसे क्लच प्लेट तक हमारा इंजन ऑयल नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो यार आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हो, देखो ऐसा है कि आपके टाइम पे फ्यूल इंजेक्शन बाइक्स आ चुकी हैं, बहुत सारी बाइक्स आ रही है और बहुत सारी बाइक जो है वो कार्बोरेटर पर वर्क करती है, कार्बोरेटर पर काम करती है, मतलब कार्बोरेटर के थ्रू चलती है हमारी बाइक। तो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, तो आप लोगों को करना क्या, अगर आप लोगों के पास फ्यूल इंजेक्शन बाइक है तो आप लोग एक्सेलेरेटर तो देना ही नहीं है, बाइक स्टार्ट हो गई आप ले जाओ। लेकिन मैं अगर पर्सनली मैं बताऊँ, फ्यूल इंजेक्शन बाइक्स में भी ना आपको वो भी ये चीज़ थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपकी जो बाइक है ना, उस बाइक को ना आप लोगों को एक्सेलेरेटर नहीं देना, फालतू का एक्सेलेरेटर नहीं देना। जैसे कि अगर आपको बाइक चलानी है तो आप क्या करो, 1 से 2 मिनट तक, वैसे मिनिमम 30 सेकंड तक और मैक्सिमम तो फिर आप कितनी भी देर तक करो। जैसे कि मैं पर्सनली हूँ, मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो यार मैं ना अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए ना कम से कम 1 मिनट पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ अपनी बाइक को। जैसे कि मैं बताता हूँ, बहुत से लोगों की आदत होती है, जैसे मेरी भी एक आदत है कि मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले उसको साफ साफ करता हूँ अच्छी तरह। तो आप लोग करो क्या कि ना ऐसा करा करो कि ना बाइक को पहले स्टार्ट कर लिया करो फिर साफ कर लिया करो, उससे क्या रहता है कि बाइक का साफ होने का टाइम भी हमारा वो टाइम वेस्ट नहीं होता और उससे क्या होता है हमारा इंजन ऑयल के अंदर। और हाँ, वेदर तो तुम लोग देख रहे हो कि बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर तो बहुत बुरा पानी भरा पड़ा है, तो आप लोग देख लेते होगे कि ना यार क्या करना है आप लोगों को। अच्छा वेदर का छोड़ो, मैं बताता हूँ आप लोगों को करना क्या, आप लोगों को ना सीधा है कि आप लोग बाइक पहले स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है, और बाइक स्टार्ट करने के बाद ना फिर आप ना उस बाइक को चलाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तो बाइक स्टार्ट कर लो, ठीक है, थोड़ी देर के बाद पाँच दस मिनट कह रहा हूँ, 1-2 मिनट के बाद ना उसको साफ वाफ करने के बाद तो आप लोग क्या करो कि आपकी जो बाइक है फिर उस बाइक को चलाओ आराम से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ मैं और बताता हूँ, सुबह सुबह की जब भी हमारी बाइक होती है तो ना आप लोगों को ना उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा कि ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 50, 60, 70 की स्पीड पे चला रहे हो, नहीं, आपको धीरे धीरे उस बाइक को ना धीरे धीरे स्पीड लेनी है, क्योंकि उससे क्या है जो इंजन ऑयल है ना वो पूरे इंजन के पार्ट्स के अंदर पूरे अच्छी तरह घूम जाए तब जाके आपको स्पीड करनी है। बहुत से लोग मैंने देखा है, हमारे एक पड़ोस में एक अंकल है, अंकल तो खैर नहीं है, लड़का है, वो क्या करता है सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करता और भाई एक्सेलेरेटर देता रहता। मैंने उसको 3 बार ही बोल दिया तो वो भाई कभी कभी तो वो कहता है भाई गलती हो जाती है, भूल जाता हूँ। तो ये हम लोगों की एक बहुत बेकार आदत है कि हम लोग सोचते हैं कि यार ये करने से हमारी बाइक का क्या एवरेज ये सबको बहुत बेस्ट होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ना सीधी बात है कि ना अपनी बाइक को ना पहले कुछ अगर साफ़ करते हो, साफ़ करने के शौकीन हो, सुबह सुबह उठ के साफ़ करना अच्छी तरह, जैसे मुँह साफ़ करते वैसी जैसे मुँह धोते हो वैसी बाइक चमकाने का भी शौक़ है, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ना अपनी बाइक को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले तो स्टार्ट कर लो, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद भले ही धूल मिट्टी किक हो, सेल्फ हो या जो भी हो, ठीक है, वो स्टार्ट कर लो और स्टार्ट करने के बाद ना बाइक का ऑयल घूमने दो और तब तक आप अपनी बाइक को साफ़ कर लो। चाहिए इतनी देर में क्या होगा, जब तक आप साफ़ करोगे कपड़ा या जो भी चीज़ है जिससे भी साफ़ करोगे तो उसके लिए आप लोगों के लिए इसमें बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि आपका इंजन भी सही रहेगा और आपकी बाइक भी शाइन करती रहेगी। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा कि आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मैंने भी अभी मैं आ रहा था, एक बंदा यही हरकत कर रहा था और मेरा एक दोस्त कह रहा था कि भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ और मुझे भी बताओ कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको सीधा बोला, मैंने कहा एक काम करो, तुम यूट्यूब, मैंने एक चीज़ बना रखी है यूट्यूब पर, आप जाके वीडियो मेरी देखो और उससे पता चलो कि
कि क्या है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैं सोचा कि ये चीज़ इन्फॉर्मेशन थी, मैं सोचा कि बता दूँगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, और दोबारा से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा रात में वीडियो मत बनाया करो, तो यार मजबूरी है भाई। मेरे को जब भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं सोचता हूँ कि तुरंत के तुरंत बनाता रहूँ, जिससे कि मतलब आप लोगों तक मेरी बात बहुत जल्दी पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो कर, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं, हम खराब करने दे। ओके बाय।